नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक। मुक्त मूलक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको हम इंग्लिश में फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समांश बंध विखंडन पढ़ा था। यहाँ देखिए, एक अभिकारक है ए बी, और यह हमारे पास बीच में जो ये बंध है, ये कौन सा सहसंयोजक बंध है। तो जब यह बंध टूटता है, जब यह बंध विखंडित होता है, तो दोनों पर एक-एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस प्रकार ए और बी दोनों पर यह क्या आ गया, एक-एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों इसे ही हम कहते हैं मुक्त मूलक। तो क्या बनेगी परिभाषा, परमाणु या परमाणु का समूह है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अथवा विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मुक्त मूलक। अर्थात यदि किसी परमाणु या परमाणु के समूह पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम संख्या में आ रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मुक्त मूलक। दोस्तों मुक्त मूलक के कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, और इसका अष्टक अपूरण होता है, अष्टक पूरण नहीं होता है दोस्तों, अष्टक पूरण नहीं होता है। इसका जो कक्षक है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, जो 7 विषम संख्या में है, अष्टक पूरण नहीं होता है। और ये जो मुक्त मूलक बनते हैं, ये किससे बनते हैं, समांश बंध विखंडन से बनते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, समांश बंध विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं। यह मुक्त मूलकों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, अतः मुक्त मूलक उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन, और दोनों पर एक-एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। यदि दोस्तों इन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इनका चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, संख्या में होगा, शून्य नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, तो कैसे होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लिए, मुक्त मूलक की प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुचुंबकीय। ये अत्यधिक क्रियाशील और स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये उदासीन होते हैं, इसलिए अधिक क्रियाशील और स्थायी होते हैं दोस्तों। ये देखिए Cl2, हमारे पास क्या था, Cl2, Cl2 बीच में से सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे HV, सूर्य का प्रकाश और हीट ऊष्मा, ये दोनों इसको दिया अभिक्रिया को, तो क्या हो गया, मुक्त मूलक बन गए। क्यों बने, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से समझा था कि मुक्त मूलक कब बनेंगे, हेल्प एंड बी एस। वो ट्रिक यदि आपने नहीं देखी है तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें ट्रिक दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। HV, सूर्य का प्रकाश और हीट मिलते ही ये मुक्त मूलक बनेंगे। मुक्त मूलक कब कब बनते हैं, वो ट्रिक आप जरूर देखिए पिछला वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बनिक मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे दोस्तों ये CH3+X, यदि इससे हमारा मुक्त मूलक बनता है CH3, ये मुक्त मूलक प्लस एक्स, ये मुक्त मूलक। तो यहाँ पे जो CH3 है, ये जो कार्बन है जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन जो होता है वो sp2 संकृत अवस्था में होता है। क्वेश्चन बनता है, मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन संकृत होता है, उसकी संकरण अवस्था कौन सी होती है, तो वो sp2 संकृत अवस्था में होता है। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ रहते हैं, पी कक्षक में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमेशा पी कक्षक में रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं मुक्त मूलक के स्थायित्व की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मुक्त, ये आपको 4 आपको उत्पाद दे दिए और आपसे पूछा निम्न को स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो पहली बात, मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्या कारण है, कारण है इसका एक तो अनुनाद। यदि
आपने अनुनाद वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, अनुनाद का मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है। दूसरा कारण इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण। इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण, इसमें जो ये मुक्त मूलक है इसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्थान है वो निश्चित नहीं है, वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, अस्थानीकरण। तो दोस्तों देखिए कुछ एग्जाम्पल। पहला ये सी, इसके ऊपर ये एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये मुक्त मूलक कार्बन है। इससे तीन मिथिल समूह जुड़े हुए हैं। यदि एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री होगा। क्या होगा? 3 डिग्री। यहाँ देखिए इस कार्बन से दो मिथिल समूह जुड़े हुए हैं, अर्थात ये 2 डिग्री है। ये कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है दोस्तों। और ये हमारा मिथिल मुक्त मूलक है, मिथिल मुक्त मूलक है। तो दोस्तों इनके स्थायित्व का क्रम ये होगा कि 3 डिग्री कार्बन सबसे अधिक स्थायी होगा, 2 डिग्री कार्बन उससे कम स्थायी होगा, और 1 डिग्री कार्बन उससे कम स्थायी होगा, और सबसे कम स्थायी होगा मिथिल मुक्त मूलक। अर्थात 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मुक्त मूलक। तो ये इनका स्थायित्व का क्रम है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों ये जो मुक्त मूलक है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो आपसे पूछ ले, मुक्त मूलक है इलेक्ट्रॉन, स्नेही है मुक्त मूलक। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इनके स्थायित्व का कारण है अनुनाद, जो वीडियो आपको देखना है। एक है इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। दोस्तों ये जो मुक्त मूलक है यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये हमने पढ़ा था प्रेरणिक प्रभाव में। यदि आपने प्रेरणिक प्रभाव नहीं देखा तो वो भी आप वीडियो देखिए दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में। यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल है उस पर लिंक पर ज्वाइन होकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को भेजिए।